बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। कहता है कि मीन ऑब्जर्वेशन फाइव, पांच ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 60 है। तो इट्स मीन कि पांच ऑब्जर्वेशन अगर की जाएं तो उनका जो सम होगा वो इज इक्वल होता है 60 के। तो ये आपको पता है ना, फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं दोबारा कर देता हूँ। ये देखें, ये एक सिंपल सा पॉइंट है कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज। तो अब इसमें से आपको क्या चीज़ दी हुई है, इसमें से आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, नंबर्स दिए हुए हैं कि टोटल कितने बंदे हैं, पांच बंदे हैं, और एवरेज दी हुई है कि 60 है। तो इन दो चीज़ों से हम क्या निकाल लेंगे, इन दो चीज़ों से हम निकाल लेंगे क्या चीज़, सम। तो सम हम निकाल लेते हैं कैसे, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल, ऑल मतलब पहले पाइए पाँच के, तो ये हो जाएगा 60 और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 300। तो यानी कि इस पहली 5 ऑब्जर्वेशन का मीन्स और 60 ये जो था इसका हमने सम निकाल लिया कि 300 है। आगे कहता है 10 ऑब्जर्वेशन है और उनका सम एवरेज कितना है, 30 है। तो अगेन हमने उसका सम निकाल लेते हैं कि सम ऑफ नेक्स्ट 10, ठीक है, जो अगले 10 हैं उनका सम कितना होगा, तो वो कितना एवरेज कितना है, 30, ठीक है, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 300। यानी अब हमने 15 का सम निकाल लिया, पहले 5 का और फिर अगले जो 10 दिए हुए हैं उनका, ठीक है, ऐसे करके हमने सम निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन। अब कहते हैं कि 15 ऑब्जर्वेशन का ना, 15 ऑब्जर्वेशन का कितना है मीन, 20 है। तो अब सम ऑफ नेक्स्ट जो हमारे पास 15 है, ठीक है, 15 ऑब्जर्वेशन, उनका कितना सम आ जाएगा नेक्स्ट 15, तो वो हो जाएगा 15 और मल्टीप्लाई बाय एवरेज, तो 15 2 3, तो ये भी आ जाएगा 300, ठीक है। अब ये 300 आ गया। अब हमारे पास कितनी टोटल ऑब्जर्वेशन होगी, है 5 ये हैं, 10 ये हैं और 15 ये हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 30 ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है। तो अब कहता है मीन निकालो ऑल ऑब्जर्वेशन का, तमाम ऑब्जर्वेशन का मीन निकालो। चलो अब इसको तमाम ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल देते हैं, तो तमाम ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है, तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये आपके पास एवरेज आ जाएगी, मीन आ जाएगा, ठीक है। तो अब मीन आपका या एवरेज जो है वो अब आपने निकालनी है, तो अब आपके पास सम भी हैं और टोटल नंबर भी हैं। सम कितना निकला था, 300 300 300, तो 300 जमा 300 जमा 300, ठीक है, और तकसीम किससे करेंगे, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर कितने हैं, ये 5 हैं, ये 10 हैं, ये 15 हैं, टोटल कितने हो गए, 20 30 30 हो गए, ठीक है, 30। तो ये आप सम कर लें तो 900/30 आ जाएगा, 0 0 के साथ कट गया, 3 1 3 और 3 30 3 30 90, तो ये आ जाएगा 30 आपके पास मीन, ठीक है, या एवरेज एक ही बात है। तो इस तरह आपका ये 30 जो होगा ये करेक्ट आंसर है। ओके, हो गया।